मोतिया स्थित अडानी पावर प्लांट के अंदर काम करने वाली पावर मैक प्रोजेक्ट कंपनी के एक मजदूर की मौत रात्रि ड्यूटी के दौरान हो गई, जिसके बाद आज सुबह मजदूरों ने कंपनी के गेट को जाम कर दिया है। आक्रोशित मजदूरों ने बताया कि हर बार कंपनी की यही स्थिति रहती है कि मजदूरों के मौत पर बस कंपनी तमाशबीन बनी सब देखती रहती है। इन तमाम घटनाओं पर अडानी भी हर मरतबा पल्ला झाड़ती नजर आती है कि वो मेरे स्टाफ नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना हुई कैसे है। दरअसल कल देर रात पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंदर काम कर रहे मजदूर को करंट लगता है और हॉस्पिटल लाते लाते उसकी मौत हो जाती है। परिजनों को सूचना मिलती है और वो जब सदर अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां मृतक के शव के अलावा कोई नहीं है, यानी कंपनी की प्रतिनिधि उन्हें अस्पताल छोड़ फरार हो जाते हैं। हम लोग को पता चला कि हॉस्पिटल में यहाँ है तो हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ कौन भर्ती कराया इसको? इसका कुछ पता नहीं है कौन भर्ती किया है। कौन से कंपनी में काम करता था? पावर में। अडानी के अंदर। हाँ। कितना उम्र है इसका? 20 साल उम्र है। कितने दिन से यहाँ कर रहा था? 3 महीने। क्या था, हेल्पर था या क्या था? हेल्पर। तुम लोगों को कैसे पता चला? हम लोग को मतलब कि कोई फ़ोन करके बोला तो पता चला हम लोग को। इसका घर का कोई आया? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम रविशंकर कुमार है। जिसके बाद मजदूरों में आक्रोश होता है और मजदूरों द्वारा अडानी के गेट को जाम कर दिया जाता है और उचित मुआवजे की मांग की जाती है। आप लोगों को कैसे पता चला था? पता चला हम लोग को सुबह में जब ड्यूटी आ रहे थे तभी भाई लोग रोक दिया गया कि हम लोग ड्यूटी मत जाओ। अच्छा, कितने स्टाफ हैं आप लोग? हम लोग अभी बहुत ज्यादा हैं इधर। उसका मौत का क्या कारण बता रहा है, क्या हुआ है? शॉर्ट सर्किट से, लेकिन इधर बता रहा है हार्ट अटैक, लेकिन हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक होगा तो यहाँ मेडिकल चार्ज के लिए भेजता क्यों है? उसको भर्ती कराया कौन है? यह मालूम नहीं है। अभी हॉस्पिटल गए तो उसका सिर्फ बॉडी है, कौन भर्ती कराया इसका पता नहीं है। सिक्योरिटी वाले हम लोग का फोन चेक करता है, डेड बॉडी निकला है उसका कोई नहीं देखा, कहाँ निकला कैसे निकला। उसका कोई कागज भी उसके पॉकेट में नहीं है कि किस कंपनी का हुआ। लाइट में जो सेफ्टी वाला था वो तो निकल गया। जिस कंपनी का था उस कंपनी से कोई आया नहीं, आया ना पावर में गया, कोई नहीं है। अभी तक कोई बात कोई नहीं है। तो क्या आप लोग गेट जाम कर दिए? तीन बड़ी जाम रहेगा, कब होगा सर? क्या डेड बॉडी क्या मांगे? मेरा डेड बॉडी यहाँ चाहिए, बिल्कुल नहीं आ चाहिए। 60 साल की उम्र थी, उसको जो रोजगार चल रहा था उसको बरकरार चलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए। उसके पिताजी भी तो यही काम करते हैं सर? पिताजी उसका PCP में एक साथ काम, दूसरे कंपनी में। मजदूरों द्वारा बताया जाता है कि हर बार कंपनी किसी के मौत पर ऐसे ही पल्ला झाड़ती है और उस कंपनी को काम करना आने वाली अडानी भी अंग्रेज शासक से कम काम नहीं करती है। मामला यही नहीं रुकता है, जिनके द्वारा भी मृतक को अस्पताल में छोड़ा जाता है उसके द्वारा मृतक के पास का आई कार्ड भी गायब कर दिया जाता है, यानी कोई ये भी ना समझ पाए कि मृतक किस कंपनी में काम करते हैं। सवाल ये होता है कि जब कंपनी की कोई गलती नहीं होती है तो यूं पहचान छिपाने की कोशिश क्यों की जाती है? प्रमाण पत्र वगैरह है कि किस कंपनी में काम करता था? वो ड्यूटी करता था, ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ तो जो साहब लोग आए यहाँ पावर में थे वो सारा चीज उसका डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड सब निकाल लिए, सब निकाल के लेते गया और यहाँ पे छोड़ के एडमिट करके भाग गए। क्यों भाग गया, क्या लगता है, क्या किस चीज से, क्या डर के भाग गया वो छोड़ के? ये तो साहब मुझे पता नहीं है।